हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद एतिवन। तो ये न्यूज़ जो है जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, जो कि बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत ही जो है वो बुरी खबर है। यहाँ पर फैसला आना था बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीटीसी, जो विवाद चल रहा था जहां पर बीएड वाले जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। राजस्थान के बीएसटीसी स्टूडेंट ने ही जो है यहाँ पर केस जो है वो लगाया था हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में। उसके बाद ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल फैसला आ गया है, ऑर्डर जारी हो गया है कि बीएड वाले जो है वो पीआरटी से बाहर होंगे, प्राथमिक से बाहर होंगे। ऐसे में कई भर्तियां जो है वो प्रभावित होंगी ही। अब इस चीज से जो है वो पूरे भारत के बीएड स्टूडेंट जो है वो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पीआरटी से उनको बाहर कर दिया गया है। पैसे तो वेस्ट हुए ही हैं स्टूडेंट के। बाकी आप देख रहे हैं कि वीएस पीआरटी का रिजल्ट जो है वो आने को था, अब ये जो है क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीएड स्टूडेंट है वो पीआरटी से बाहर ही हो गए हैं, तो रिजल्ट जो है वो हो सकता है रद्द ही हो जाए। यूपी सुपर टेट, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, बीएड वाले यहां पर भी एलिजिबल हो जाते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में 1-5 में बीएड स्टूडेंट को, पूरे भारत के स्टूडेंट को जो है यहां पर एलिजिबल कर दिया गया था। ठीक है, अब सारी चीजें जो है यहां से प्रभावित हो गई। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, हाई कोर्ट से फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होता है, और ये हमको मानना ही होगा। अभी बात ये होती है कि एनसीटीई जो है उसी ने अलाउ किया था बीएड वालों को कि प्राइमरी सेक्शन में जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट ने जो है वो अपने पैसे भी लगाए। ठीक है, काफी संख्या में स्टूडेंट जो है यहाँ पर, क्योंकि जब भर्ती ही जो है इतनी कम निकलती है, तो स्टूडेंट चाहता है कि जहां भी वैकेंसी निकल रही है वहां पर हम लोग फॉर्म डालें। तो ऐसे में बीएड स्टूडेंट ने हर स्टेट में जहां भी प्राइमरी सेक्शन में वैकेंसी निकल रही थी और वहां पर एलिजिबल हो रहे थे, तो वहां पर फॉर्म डाल रहे थे। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती इतनी बड़ी संख्या में निकली, वहां पर फॉर्म डाले। यूपी सुपर टेट जो अभी आने वाला है, तो उसमें जो है वो बहुत भारी संख्या में जो है यहाँ पर बीएड धारी जो है फॉर्म डालते हैं। ठीक है, अब सारी चीजें जो है बिल्कुल पलट गई हैं। अब रिटर्न में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जो है जैसे ही आएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी वो चीज़ वीडियो के माध्यम से। और ये चीज़ जो है वो बीएड वालों के लिए जो वो अच्छी तो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर बीएड स्टूडेंट के पैसे जो है वो खराब हुए हैं। तो यहाँ पूरे भारत के जो बीएड स्टूडेंट हैं वो प्रभावित तो हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बिल्कुल अंतिम फैसला रहता है, इसके बाद जो है वो फैसला जो है वो बदलता नहीं है। तो चलिए, राजस्थान से स्टार्ट हुई थी ये कहानी बीएसटीसी और बीएड विवाद, और यहाँ पर राजस्थान के बीएसटीसी जो है इनकी जीत हुई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।